রবিবার শিলচরে এলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি। এদিন শিলচর পৌঁছে উধারবন্দ সমষ্টির ময়নার বন্দের আইওসি ডিপো পরিদর্শন করেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, ডেলি বরাকের পর্দায়। এছাড়া সন্ধ্যায় সোনাই ধনেহরির ওএনজিসি পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দুটি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন তিনি। ধনেহরির ওএনজির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি জানান, সোমবার গোটা দেশে 75,000 চাকরির নিয়োগপত্র প্রদান করবে কেন্দ্র সরকার। এরই অঙ্গ হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের 50টি জায়গায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠান করবেন। শিলচরের মাসিমপুরে অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম তুলে ধরেন তিনি। ধনেহরি ওএনজিসির তরফে মন্ত্রীকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বিভাগীয় আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ওএনজিসি চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি। ব্যুরো রিপোর্ট, ডেলি বরাক। कल रोजगार मेला है पूरा भारत में। कल पूरा भारत में 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 10,00,000 लोगों को रोजगार देंगे। उसी तरह से हमारी हर एक महीना रोजगार मेला लगती है। शायद जिसको रोजगार मिल गया उसको पता नहीं, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। और जिसको रोजगार नहीं मिला वो सोचते हैं कहाँ रोजगार निकला है, है? जिसको रोजगार नहीं मिला वो सोचते हैं रोजगार कब मिलेगी। इसलिए रोजगार जो जिसको मिल गया उसको पता नहीं होता है कि रोजगार मिला कब। तो 12 महीना में 12 रोजगार मेला करने के लिए सिद्धांत दिया गया था और हर एक महीना 75,000, मतलब 12 महीना में 75,000 रुपए देते हैं तो 10,00,000 होता। इसी तरह से 4,00,000 लोगों को अभी तक दे चुका हम लोग और 6,00,000 लोगों को रोजगार देना है। तो कल 10:50 में भारत के प्रधानमंत्री की वार्षिक भाषण रहेगी और 50 केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। जैसे गुवाहाटी में सर्वानंद सोनोवाल जी रहेंगे और सिलचर में मैं हूँ, उसी तरह से गुजरात में अमित शाह जी रहेंगे, पंजाब में हरदीप सिंह पुरी हमारे पेट्रोलियम मंत्री रहेंगे। ऐसे 50 जगह है। तो मुझे भेजा गया था अगले महीने मैं दीमापुर में, उससे पहले मैं पंजाब में था, चंडीगढ़ में, हर एक महीना होती। तो मैं जब मुझे भेजा गया तो मैं सोचा कि जब मैं सिलचर जा तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग के मंत्री होने के बाद मैं आने की मुझे फुर्सत मिली। इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक दिन पहले जाता हूँ और हमारी मंत्रालय के द्वारा लेबर हो या पेट्रोलियम मंत्रालय क्या क्या काम हो इस पर जाने की कोशिश करूँ। और उसे हेलीकॉप्टर और मुंबई का सबसे पुराना जो एयरपोर्ट है जुहू एयरपोर्ट वो हम यूज करते हैं। ONGC इतना बड़ा कंपनी है, जुहू एयरपोर्ट ONGC यूज करते हैं। 23 हेलीकॉप्टर ऐसी कंपनी है ONGC। और आप ONGC सिर्फ तेल निकालने वाला कंपनी नहीं है और दूसरे दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। तो उसके बारे में अगर विस्तार से बोले तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए क्योंकि हम लोग कुछ लोगों को आज खाने के लिए भी इन्वाइट किए इसलिए हम अब जाना है। तो मैं ONGC के सभी यहाँ अधिकारी हो कर्मचारी सबसे अनुरोध करता हूँ, आप लोग इस तरह से काम करते हैं कि हमारे पास इतनी तेल और गैस है, क्योंकि जब हम डिब्बोई में हमारे तेल निकली थी 1889 में, उस समय दुबई जैसे देश में यूएई में तेल निकला नहीं था और हमने तेल निकाला, लेकिन आज दुबई कहाँ है और हम कहाँ। हमारी नीति में भूल थी। आज दुबई कहाँ से कहाँ चले, ऐसा नहीं है कि इंडिया में तेल नहीं है, ऐसा तो नहीं, इंडिया में बहुत तेल। अब देखिए इसी जगह
कितना हमारा गैस है, त्रिपुरा में देखिए कितना गैस, अभी हमें बंगाल में भी तेल मिला है, बंगाल में भी तेल मिला है, नागालैंड में तो तेल है, अभी भी इंडिया में बहुत से ऐसी जगह हम अभी तक खोजा ही नहीं है, गया नहीं है, इतना तेल जरूर। अब हमारी पूरा कोशिश है, भारत के प्रधानमंत्री को कहना है